जय श्री राम। साथ में ये देखिए श्री राम जन्मोत्सव और इस मंदिर बनकर के पूरी तरह से तैयार हो गया है। आप लोगों को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे देख पा रहे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं मंदिर के चारों ओर दिखाने का प्रयास करूंगा। अगर यदि आप लोगों को इस वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक, एक शेयर एंड एक कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। ये देखिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पूरी मंदिर की सज को तैयार हो गया है। अब जो है कुछ ही क्षणों में यहाँ इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। आप लोग जैसे देख पा रहे हैं हर एक जगह में कितनी अच्छी तरीके से फूलों से सजाया गया है। चलिए आगे हम आपको ले जा करके दिखाते हैं कि मजदूर लोग लगातार दिन रात काम में जुटे हुए हैं ताकि मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हो वो पूरी तरह से तैयार हो, किसी भी प्रकार की कमी ना हो। यहाँ देखिए सुरक्षा कर्मी भी हमारे बहुत जोर शोरों से लगे हुए हैं। जितने भी सारे हमारे सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी आप देख पा रहे हैं, सबको एकदम दिन प्रतिदिन लगातार काम कर रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जैसे देख पा रहे हैं कितनी अच्छी से तरीके से फूलों की अलग अलग कलाकृतियाँ बनाई जा रही है। साथ में दीवार पर देख सकते हैं आप कितनी बारीकी से आकृतियाँ उकेरी गई है कि जब देखने के बाद ऐसा लगता है, वास्तविक रूप में देखने के बाद लगता है पूरी तरह से मन मोह लेता है। ये देखिए पूरी तरह ये पत्थर की शिला पर बनाया गया ये आकृति है और ये आकृति जो है ये पूरी तरह से मनमोहक है। साथ में देखिए इसकी जो छत है, छत में जो बनाया गया ये भी शिला ही है, पत्थर ही है, इसमें ही भी नकाशी किया गया है। अच्छे से देखिए जैसे हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर की जो छत जो बना हुआ है उसमें कितनी अच्छी तरीके से सुंदर ढंग से नई नई छवि को उकारा गया है ताकि जो भी आए यहाँ पर्यटक के रूप में या दर्शन के रूप में उसको पूरा मन जो है मोह जाता है, मन नहीं करता है। देखिए यहाँ पर हनुमान जी विराजमान है, जय बजरंग बली। आप लोग से हमारा रिक्वेस्ट है अगर यदि थोड़ा सा भी पसंद आए ये वीडियो तो एक लाइक जरूर करें, साथ में कमेंट में जय श्री राम जरूर करें। ये देखिए पूरी तरह से मंदिर सज करके तैयार है प्राण प्रतिष्ठा की लिए। आप देख रहे हैं साथियों जितना सारा फूल देखिए कितना तरह तरह की रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है और मंदिर में जो सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से लगातार कार्यरत हैं। चलिए इसी